हेलो साथियों, मैं सौरभ सर सामाजिक अध्ययन पूरे 60 अंक एमपी एग्जामपुर चैनल से आज मैं जो आप लोगों के समक्ष सामने जानकारी लेकर आया हूं वो है प्लैनेट से संबंधित, ग्रह से संबंधित। क्योंकि कुल ग्रह जो हैं 8 हैं और इन 8ों ग्रहों को याद करना बड़ा मुश्किल पड़ता है, इसलिए एनसीईआरटी में दिया बड़ा शॉर्ट तरीका है जिसको कहते हैं माय वेरी एफिशिएंट मदर सर्व्ड अस नट्स। जैसे कि माई का जो वर्ड है पहला अक्षर एम वो रिप्रेजेंट करता है मरकरी को, जिसे हिंदी में बुध कहते हैं। फिर आता है वेरी, वेरी में वी आता है जिसको हम वेनस कहते हैं और हिंदी में उसको शुक्र ग्रह कहते हैं, जिसे पृथ्वी का जुआ बहन भी कहते हैं। देन आता है माई वेरी एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब ई से होता है अर्थ, जिसको हिंदी में पृथ्वी कहते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर, मदर में आता है एम जिसको हम मार्स कहते हैं। ठीक आता है फिर माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट, जस्ट में जे आता है जिसका अभिप्राय है जुपिटर से, हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। देन आता है आपका माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड, सर्व्ड मतलब एस, एस मतलब सैटर्न, सैटर्न मतलब सनी। देन आता है आपका क्या माई वेरी एफिशिएंट मदर सर्व्ड अस, अस मतलब यूरेनस, यूरेनस का मतलब अरुण। देन आता है आपका माई वेरी एफिशिएंट मदर सर्व्ड अस नट्स, नट्स मतलब एन, एन मतलब नेपच्यून, नेपच्यून का मतलब वरुण। तो ये थे कुल 8 ग्रह। ऐसे ही जानकारी के साथ एमपी एग्जामपुर चैनल और सौरभ सर सामाजिक अध्ययन 60 से बने रहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे धन्यवाद। थैंक यू।